स्वागत है आप सभी का मेरे सनलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। आप यदि इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और उन कारकों से किन कारकों की उत्पत्ति होती है, क्या नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, उसका मात्रक क्या होगा, परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि विशिष्ट चालकत्व और चालकता किसे कहते हैं, इस टॉपिक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। आज का टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। अब देखिए ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये चार कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से है? फर्स्ट है लंबाई पर, सेकंड है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, थर्ड है ताप पर और फोर्थ है पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए इसके चार फैक्टर है जिसमें से दो ये कारक है वो दोनों ही मैन इम्पोर्टेंट कारक है। देखिए इनका एक एक स्टडी करते हैं कि ये किस प्रकार इस पर निर्भर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन लंबाई पर, लंबाई या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस समानुपाती को एक अन्य नाम भी कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर देखिए सेकेंड फैक्टर है इसका वो है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब हुआ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों को कंबाइंड रूप में लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब ये साइन रिमूव होगा तो यहाँ पर एक न्यू कांस्टेंट गिवन होगा K, L बाई A। अब यहाँ पर K क्या कहलाता है, देखिए K भी लिख सकते हैं और इसको रो भी लिख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल में इसको रो पढ़ते हैं और हायर में भी रो लिखते हैं, और जबकि सेकेंडरी लेवल में इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोनों नेम भी यूज हो सकता है, कॉम्पिटिशन में K भी आ सकता है, रो भी आ सकता है। आपको इसका कैसे पता चलेगा कि ये रो है या K है या विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसके लिए आपको उसका मात्रक लर्न करना पड़ेगा। तो इसका मात्रक क्या होगा वो अभी पढ़ेंगे। देखिए इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या इसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये इसका हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड करना है, इसकी यूनिट मात्रक फाइंड करना है। तो देखिए R इक्वल के L बाय A। अब हमें फाइंड क्या करना है, K फाइंड करना, तो K इक्वल हो जाएगा R A बाय L। ये बन गया K का फॉर्मूला। फिर इससे यूनिट देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ की हो जाएगी मीटर, इससे ये वाला कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा ओम इंटू मीटर। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट ओम ही क्यों हुई, क्योंकि जो किसी चालक तार में करंट फ्लो हो रही है उस चालक तार में करंट फ्लो में जो हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न हो रही है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और इस प्रतिरोध के बारे में खोज किस वैज्ञानिक ने की, ओम ने। उसी आधार पर ओम को
प्रतिरोध का मात्रक बताया गया। तो इसलिए आपको लर्न रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और प्रतिरोधकता के का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक हो गया और इसका मात्रक हो गया ओम। अब देखिए प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, आर ए अपॉन एल इक्वल रो। तो देखिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल 1 मीटर देन रो इक्वल क्या हो जाएगा आर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि चालक तार की लंबाई एकांक मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक मीटर स्क्वायर हो तो इसके संगत चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है या कहलाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन एक बार वापस समझिए, फॉर्मूला क्या है इसका, रो इक्वल आर ए बाई एल। यहां पर आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या है, इसका एल है लेंथ। तो देखिए ए को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, 1 मीटर स्क्वायर, एल को क्या कंसिडर किया, 1 मीटर। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल आर। जब चालक तार की लंबाई एकांक मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक मीटर स्क्वायर, एकांक मीटर तथा एकांक मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, टेम्परेचर है वो प्रतिरोध पर कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर के लिए मैं एक चार्ट के वजह से बता रहा हूं, इसको चार्ट की सहायता से टेम्परेचर, टेम्परेचर तीन भागों में इसको डिवाइडेड कर देते हैं। पहला पढ़ते हैं हम धातुओं के लिए, फिर पढ़ते हैं मिश्र धातुओं के लिए, और फिर पढ़ते हैं अर्धचालकों के लिए। तो देखिए धातु, धातु क्या होगी, जैसे धातु में पूछे तो विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है चांदी। इसमें क्या प्रॉपर्टी रहेगी, टेम्परेचर है इसका जो इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ताप और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। टेम्परेचर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए टेम्प धातुएं कौन कौन से हो सकती है, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये धातुएं हैं। और धातुएं और भी हैं बहुत सारी है, लेकिन मैंने ये लिमिटेड एग्जाम्पल दिया है इनको। आपको एक ही कंसेप्ट लर्न रखना है इसमें कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर देखिए नेक्स्ट मिश्र धातुओं के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए मिश्र धातुओं के लिए क्या होगा, टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो प्रतिरोध के मान में क्या होता है, अल्प परिवर्तन, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, स्मॉल चेंजेस होता है। और ये हमेशा ही ध्यान रखना है, मिश्र धातुओं का अधिकांशतः उपयोग प्रयोग भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। मैग्नीज और कॉन्स्टेंटन से बना वायर यूज किया जाता है जो विभव मापी में मीटर सेतु में यूज होता है। तो देखिए इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं कौन कौन से मिश्र धातुएं यूज होती है, तो एक होती है मैग्नीन और दूसरी है
कॉन्स्टेंटन। ये दोनों ही धातुएं भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में मीटर सेतु, विभव मापी, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए यहाँ यूज किया जाता है इन दोनों का। अब देखिए नेक्स्ट है अर्धचालक। इनमें क्या कंडीशन रहती है कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या होता है डिक्रीज, मतलब ताप के मान में वृद्धि की तो प्रतिरोध का मान घटता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम, जिसको डिनोट करते हैं GE से, और नेक्स्ट है सिलिकन, और सिलिकन को डिनोट करते हैं SI से। ये तो था इन कारकों पर निर्भरता ताप की कैसे रहती है। अब देखिए इसी से एक यहाँ पर एक न्यू इफेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अब अति चालकता कहते हैं किसे, देखिए क्या होता है कि कुछ प्रकृति में कुछ धातुएं होती है उनका टेम्परेचर क्या कर दिया जाए फिक्स, टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो उन धातुओं के प्रतिरोध का मान घटकर क्या हो जाता है शून्य। जैसे आप लोग धातुओं में देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में अल्प चेंजेस मतलब माइनर चेंज हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इसका रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो घट रहा है। वैसे ही अति चालकों में क्या होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा वो घटकर क्या हो जाएगा जीरो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे अति चालक, और इन गुण को ही क्या कहते हैं अति चालकता। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके ताप का मान नियत हो तो प्रतिरोध का मान घटकर शून्य हो जाता है, ऐसे पदार्थ अति चालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को अति चालकता कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए पारा लिया तो पारे का टेम्परेचर फिक्स कर दिया 4.2 केल्विन, उस पर उसका रेजिस्टेंस होगा वो घटकर कितना हो जाएगा जीरो। तो ये काफी बार पूछा हुआ है तो इसको लर्न रखना आपको कि पारे का 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर वो कैसे निर्भर करेगा, उसका प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करेगा, वो चालकता के बढ़ते या घटते क्रम में उसको किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं कुछ धातुएं बताता हूँ आपको, उनका फिक्स आपको क्राइटेरिया लर्न रखना है क्योंकि मोस्टली वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए चार धातुएं ली मैंने, चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। अब देखिए मैं इनको चालकता और प्रतिरोध दोनों ही क्रम में लिख रहा हूं। तो देखिए चालकता के क्रम में, तो देखिए सबसे अधिक चालक जो होगा क्योंकि ये विद्युत की सुचालक है तो सबसे अधिक चालक है इसको यहां पर लिखेंगे, उसके बाद है इसको चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे अधिक सुचालक पदार्थ है यहां पर चांदी, तो चांदी को सबसे पहले लिख दिया चांदी, फिर तांबा, फिर सोना और नेक्स्ट है
एल्यूमिनियम। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे अधिक कौन है? चांदी, उससे कम तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। ये चालकता के बढ़ते क्रम हो गए। अब प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में लिखे तो कैसा होगा? देखिए, प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में, तो प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में कह रहे हैं मतलब इसका उल्टा हो गया। सबसे अधिक सुचालक है तो चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, और नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। ये हो गया चालकता का बढ़ता क्रम और प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। आज के लेक्चर में हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं और चालकत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और अगर प्रतिरोध भिन्न भिन्न क्रम में संयोजित है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो ये प्रतिरोधों का संयोजन है, ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।